हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। और इसमें हम चार प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। उसके अलावा हमने दो तीन टाइप के क्वेश्चंस भी किए उनसे रिलेटेड, ठीक है। स्पेशली लास्ट दो क्लासेस में हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, और उनको ड्राइव करना भी सीखेंगे हम साथ साथ। जैसे हम लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये कैसे आया, ठीक है, वही चीजें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में भी करेंगे, ठीक है, लेकिन अलग वे से। आपकी बुक में थोड़ा अलग वे से गिवन होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सेम ही है जैसा कि आपका बुक्स में भी गिवन होगा, बहुत आसान है, ठीक है। उससे नेक्स्ट तो होगी, ठीक है। जैसे कुछ मेरे जो फॉर्मुलेज है ना, रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलों से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता हूँ तो हर जगह पे कुछ कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो उन कंडीशंस को कैसे निकालें, याद करने की बात नहीं, याद तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उनको निकाले कैसे, बाय चांस मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो हम जब डेरिवेशन करेंगे तो अलग मेथड से करेंगे, और उस मेथड से हम पता भी करेंगे कि ये कंडीशंस कहाँ से आई और कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट, सबसे पहले जो मैं फिर प्रॉपर्टी आपको करवाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, दैट इज योर, अगर मुझे मिलता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाय टू, इसके इक्वल होगा पाई बाय टू का। लेकिन सेम भाई, कंडीशन क्या होगी, एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए। अब सबको पता है एक्स कहां बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स एक्स डोमेन क्या होता है, माइनस वन से वन, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस वन से वन, तो दिस इज ऑलवेज माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं दो प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड लिखवा देता हूं, ठीक है। द सेकंड वन इज, अगर आपको मिलता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय टू, बट फिर से वही कंडीशन थी, एक्स कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए। अब मुझे पता है इन केस ऑफ टेंजेंट कॉट, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर, मींस दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम द नेक्स्ट वन इज सेकंट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, कम जब ये इसके डोमेन में हो। डोमेन क्या होता है, sec और cosec का दोनों का सेम होता है, दैट इज योर रियल नंबर माइनस क्या हटा दो इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस वन से वन, इसमें से अगर मैं निकाल दूं तो इट मींस दिस इज योर थर्ड, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोल दो, फॉर्मूला बोल दो, ठीक है। ठीक है, याद रखने का तरीका देखो, जिन जिनका सेम डोमेन है, यानी sin और sec, cos और sec दोनों का डोमेन सेम है, दोनों में अगर ये वैल्यू सेम हो, मींस यहां भी x है यहां भी x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है यहां कॉस है, दोनों का सम हमेशा क्या मिलेगा, पाई बाय टू, ठीक है। जिन जिनका डोमेन सेम है इस कंडीशन में, इनवर्स फंक्शन में, इन दोनों का डोमेन सेम होता है, इन दोनों का सेम होता है, और इन दोनों का भी सेम होता है, तो इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय टू के, ठीक है। प्रूफ देखो इसका, देखो बहुत आसान सा है, फर्स्ट रूप लेता हूं। तो फर्स्ट मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा काम करता हूं कि लेट मैं ज्यूम कर लेता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स कहां होगा, लेट मी दिस इज एंगल ए, ठीक है, क्या होगा मेरा कोई भी एंगल ए के इक्वल होगा। तो अब मुझे पता है एक्स कहां से कहां है, माइनस वन से वन, तो ए कहां से कहां हो जाएगा, अपने आप ही माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इट मीन्स यहां से बोल सकता हूं कि साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू एक्स, यस और नो बोल सकता हूं। ये कब होता है, ये हमें पता है कि जब x जो है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस वन से वन, और a यानी जो मैंने एंगल लिया दैट मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये तभी पॉसिबल होता है, यही पढ़ा हमने, दैट इज योर प्रिंसिपल पहली ब्रांच, ठीक है। तो जब ये होता है तभी पॉसिबल होता है, इट मींस इसका डोमेन ये होना चाहिए, रेंज ये होनी चाहिए, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमेशा ध्यान रखनी। अब नेक्स्ट देखा मैंने कि साइन इज इक्वल टू क्या है, x है, ठीक है। अगर मैं यहां से एक काम और करना चाहूं कि मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए है, मुझे कॉस निकालना है, तो साइन से कॉस निकालने का तरीका सबको पता है, इस साइन को क्या मैं सीखता हूं, कॉस पाई बाय टू माइनस ए, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, पाई बाय टू क्या बोलते हैं, कॉस को चेंज कर दो साइन में ए का ए, इट मींस साइन ए को मैं ऐसे और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, वापस से इनवर्स करता हूं, ये इधर जाएगा क्या जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस ए,
ठीक है, ये x इधर है, दैट बिकम cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi बाय 2 माइनस a। अब ये चीज ध्यान रखना कि दिस ये भी किस में लाई करना चाहिए, इसमें x का तो मुझे पता है कहां लाई करता है, इसमें करता है, तो क्या pi बाय 2 माइनस a जो है वो इसी रेंज में लाई करता है कि नहीं करता, क्या आपने चेक किया? नहीं किया। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करता है या नहीं करता, हैबिट बना लो। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगेंगे कि बार बार क्या सर ये करते रहते हो, ठीक है, अगर ऐसी हैबिट बनाओगे तो आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन कर लोगे आप, इवन सिलेबस का भी मान के चलो कि आप 10th 12th का जो सिलेबस है वो कर लोगे, ठीक है, बट आगे फिर आप मान खाओगे कि आपको पता ही नहीं होगा, आप डायरेक्टली फिर ये चीजें करते रहोगे, इधर कॉस मिलेगा तो इनवर्स फटाक से करते, पर नहीं भाई, हमने स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्यों पढ़ी हमने, ठीक है, इसी चीज के लिए तो पढ़ी ताकि ये चीज अप्लाई करते टाइम हम उस चीज का ध्यान रख सके, ठीक है, तो चेक करो यहां से मुझे पता है a जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, द लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 माइनस ये चाहिए तो मैंने नेगेटिव लिया, थ्रो नेगेटिव लोगे तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और जब नेगेटिव लेते तो इनइक्वालिटी क्या होती है, क्लिक हो जाती है, मींस ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज a सॉरी माइनस a हो जाएगा एंड दिस इज माइनस पाई, अल्टीमेटली बात वही रहेगी बस, ठीक है, यानी a और माइनस a दोनों ही इसी बीच में आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए pi by 2 minus a, यानी pi by 2 throat add कर दो, pi by 2 add करोगे, pi by 2 add करोगे this become pi by 2 plus pi by 2 is greater than minus a, और sorry यहाँ भी add करोगे तो pi by 2 आगे में लिख दिया minus का a that is greater than equal to minus pi by 2, पहले से इसमें add करना है pi by 2, pi by 2 plus pi by 2 90 plus 90 क्या होगा 180, 180 means pi is greater than pi by 2 minus a से is greater than equal to minus pi by 2 pi by 2, this and this get cancelled, you get 0, it means this angle is lie between 0 and pi, किसके बीच में lie करता है 0 और pi के बीच में, और cos inverse x अगर मैं देखता हूँ cos a तो ये क्या होना चाहिए मेरे डोमेन, अगर हम जब भी लिखते हैं कि cos inverse x हमने जब लिखा, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन मेरा होता है 0 से pi के बीच में, रेंज क्या होती है भाई, रेंज सेम माइनस 1 टू 1 ही होती है, ठीक है, तो डोमेन क्या होना चाहिए 0 से पाई, तो मेरे पास कॉस था, इसका डोमेन क्या निकला 0 से पाई, अगर ये 0 से पाई ही है, ठीक है, इट मींस मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, इट मींस मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं, मींस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a पॉसिबल है, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, ठीक है, तो कुछ हम डायरेक्टली लिख देते हैं, लिख सकते हो डायरेक्टली यहां पे क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों, ठीक है, तो हर जगह जहां भी आप इनवर्स पुट करते हो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स इज दिस, तो अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है, ये वाली चीज हटा दो आई थिंक, तो अब देखो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे अगर पुट करता हूं दैट इज योर ए, तो मैं इसको लिखता हूं ए, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, sin inverse x की वैल्यू मैंने a ली थी दैट इज योर a, प्लस cos inverse x की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली दैट इज योर pi by 2 minus a, यही था, a and a get cancel out you get pi by 2 and this is equal to your right hand side and proof, सिंपल है, देखो बहुत छोटा सा है, ठीक है, बस जो चीजें बीच वाली थी वो समझाने के लिए आपको टाइम लगता है, तो यहां हमेशा हमें पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये इसके डोमेन या रेंज में आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तभी हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज हम इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सेम है चीज अगर आप नेक्स्ट वाला करोगे, ठीक है, तो क्या चेंज, सेम कुछ अलग नहीं करना है, ठीक, मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, पहले और फिर बाद में ये वीडियो देखिए, तो मेरे पास नेक्स्ट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, सेम है चीज वही करते हैं कि मुझे पता है टेंजेंट इनवर्स x को मैं ले लेता हूं a, ठीक है, x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को, ए किसको बिलोंग करेगा, ए अगेन इस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है, और एक्स किसको बिलोंग करेगा, ऑलवेज टू रियल नंबर्स, ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूं टेंजेंट ए इज इक्वल टू एक्स, मुझे क्या निकालना है कॉट, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉट पाई बाय 2 माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, अब देखो सारी चीजें सेम है, आप अगर इसको चेक करोगे तो यहां कहां लाई करेगा, अगेन 0 टू पाई के बीच में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में सेम ही तो कंडीशंस थी हमारे पास, कुछ अलग था क्या, सारा कुछ सेम था, इसका मतलब ये कहां लाई करेगा 100%
जीरो से पाई के बीच में। आप लास्ट क्वेश्चन में एग्जैक्टली देख सकते हो कि हमारे पास ए था, इन दोनों के बीच में लाई करता था, फिर हमने चेक किया कि पाई बाय टू माइनस ए किस किसके बीच में लाई करेगा, दिस मस्ट लाई बिटवीन जीरो एंड पाई। ठीक, तो है अगर, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस ए। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, हियर यू गेट, ये आपका क्या है ए एंड प्लस पाई बाय टू माइनस ए, ए एंड ए गेट कैंसिल आउट, यू गेट योर आंसर सेम एज इट इज, sec inverse x plus cos inverse x, इसको ये लोगे ये आपका क्या बन जाएगा 90 माइनस ए एन ए गेट कैंसिल आउट, यू गेट 90 इक्वल टू 9, दैट्स इट। ठीक है भाई, सिंपल आई थिंक हो जाएगा कुछ। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज योर sin inverse x प्लस sin inverse y जो है वो किसके इक्वल हो, दैट इज योर sin inverse। ठीक है, पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं, याद करने का तरीका बताऊं, ठीक है, बहुत आसान है, दैट इज योर x into root of 1 minus y square plus y into root of 1 minus y square. ठीक है, और यहाँ condition रहती है क्या कि x square plus y square must be less than equal to होना चाहिए। ठीक है, the next one is sin inverse x minus, अगर आपको मिलता है sin inverse y, that should also sin inverse x minus y square minus x square. यहाँ प्लस था, यहाँ सिर्फ क्या देगा माइनस वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, और आप बोल सकते हो सेम कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको क्या याद है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं बोल दूं कि साइन इनवर्स एक्स, मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा आपको, पहले मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता दूं कि साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं ए बोल दूं तो इसका मतलब क्या है, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, एज इट इज अगर मैं साइन इनवर्स वाई को क्या बोल देता हूं बी बोल देता हूं, इट मींस साइन बी जो है दैट इज इक्वल टू वाई, साइन बी क्या हो जाएगा वाई के इक्वल। ठीक है, अब साइन ए से क्या मैं कॉस ए निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, कॉस ए क्या होता है रूट ऑफ वन माइनस एन स्क्वायर, यस और नो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने पुट किया सिर्फ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर कॉस ए, एज इट इज मैं अगर कॉस बी निकालता हूं दैट यू गेट वन माइनस वाई स्क्वायर, यस और नो, यहां पे क्या रहेगा साइन बी का स्क्वायर, तो दैट इज योर एन मीन्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब मैं सिंपली बोलूं कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी साइन का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी लगाएंगे, दैट इज योर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है, बस वैल्यूज पुट कर दो, साइन ए की वैल्यू क्या है दैट इज योर एक्स, कॉस बी की रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए दैट इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब साइन बी वाई होता है इस वाई को लिखता हूं ना, अब ये साइन ए प्लस बी है, साइन का जाएगा क्या हो जाएगा इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स दिस एंड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए क्या है भाई, ए मैंने माना है साइन इनवर्स एक्स को, ए की जगह लिख देता हूं साइन इनवर्स एक्स, बी को क्या माने बी है मेरा साइन इनवर्स वाई, तो इसकी जगह लिख देता हूं मैं प्लस साइन इनवर्स वाई, तो दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, आसान है, इसको डेरिवेशन में मत समझ लेना, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको याद करने का, ये डायरेक्टली ये कुछ नहीं है, साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है, बस इस साइन को उधर ले गया मैं, दैट्स इट। ठीक है, बट इसकी कुछ ट्रामन कंडीशंस रहती है, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी ड्राइव करते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, वो कंडीशंस कहां से आए, ठीक है, मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात क्यों करता था, ये ए और बी कहां लाई करता है, ठीक है, कुछ होना चाहिए ना मेरे पास। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो कंडीशन कहां से आते हैं, हम सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हो जाए, इसको डाल देता हूं, सेम एज इट इज माइनस वाले बनाओ तो पीछे माइनस का साइन लगा दो दोनों जगह पे, दैट यू गेट टू द सेकंड फार्मूला। ठीक है, तो मींस आप इंटरलेट कर सकते हो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मुलों से, और इसको याद कर सकते हो, एज इट इज आगे जितने भी फॉर्मुले होंगे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलों से रिलेटेड होंगे, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि साइन ए यानी इसको जो भी लोगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला पढ़ते हो, साइन ए की जगह एक्स यूज करो, साइन बी की जगह वाई, साइन ए की जगह एक्स, साइन बी की जगह वाई, दैट्स इट, एज इट इज कॉस का फॉर्मुला होगा तो कॉस ए की जगह मैं एक्स यूज करूंगा, कॉस बी की जगह वाई यूज करूंगा। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे जैसे यूज करूंगा। तो हम इसका करते हैं प्रूफ, तो इसको देता हूं मैं हटा दें। ठीक है, सबसे पहला काम ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, मैं फर्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूं, उसका मुझे प्रूफ करना है और इसकी कंडीशन निकालनी है। ठीक है,
ठीक है, मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए है, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी है, ठीक है, और साइन ए एक्स साइन बी वाई कब होगा, मैंने बोला ए है इसका मैंने इनवर्स लिया, ठीक है, इनवर्स का इनवर्स लोगे सीधा हो जाएगा, ठीक है ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है तो अब ये चीज कब होती है भाई, जब हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, इट मींस क्या है, एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए, सिंपल से कौन सकता है, एक्स तो मेरा माइनस वन से कहां लाई करना चाहिए, वही वैल्यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं, ए कहां से कहां लाई करना चाहिए, जो मैंने अच्यूम किया, इट मींस मेरा जो ए है वो मस्ट बी बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू को लाई करना चाहिए, यस और नो, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, यही होती है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही होता है, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये होगा, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बी, बी के साथ भी सेम कंडीशन है, फंक्शन क्या है, साइन है, तो साइन इनवर्स के लिए इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, बी किसको बिलोंग करना चाहिए, अगेन माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू को ही बिलोंग करना चाहिए, यहां पर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने सिंपली साइन इनवर्स एक्स को ए अज्यूम कर लिया, साइन इनवर्स वाई को बी अज्यूम कर लिया, ठीक है, अब मैंने इनवर्स को क्या किया, उधर लेके मतलब सीधा कर दिया इसको, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए था, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, सेम एज इट इज, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी था, तो साइन बी क्या हो गया, वाई हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया मुझे क्या करना है, मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखता हूं, तो आप यहां से भी समझ सकते हो, ठीक है, जो चीजें हमने की, ठीक है, जो हम याद करवा रहे थे वो इस डेरिवेशन से आता है, ठीक, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, यानी कंडीशन मुझे कैसे निकालनी है और ये कैसे ऐड आएगा, ठीक है, तो sin a plus b is equal to क्या होगा, दैट इज योर sin a cos b plus cos a sin a, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, इस sin a plus b को मैं एंटी रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को sin a, sin a मेरे पास है x, sin a मेरे पास क्या है x, cos b मेरे पास नहीं, तो निकाल सकता हूं जैसे हमने लास्ट में निकाला था, बिल्कुल, तो cos b क्या होगा, हम सबको पता है, यहां से मैं निकाल सकता हूं cos b is equal to root of 1 minus sin square b, and sin square b क्या है, that is y, तो it means 1 by y square, same as अगर मैं cos a निकालूंगा तो that you get root of 1 minus x square, yes or no, बिल्कुल, just values put करो, तो cos b किसी को मैंने रख दिया root of 1 minus y square plus sin b को मैं पहले लिख देता हूं, that is your pi, तो y into root of 1 minus x square, that's it, ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी कर लिया जब हम फॉर्मूला याद करने का सोच रहे थे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, मुझे इसके साथ यहां साइन इनवर्स चाहिए, तो मैं इसको उठा के यहां लेके आ सकता हूं क्या, आ सकते हैं, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मींस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दिस मस्ट लाई बिटवीन किस किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में अगर आता है तो मैं डायरेक्टली इसको इधर लेके आ सकता हूं, ठीक है, तो सिंपली एक काम करता हूं, दोनों तरफ साइन इनवर्स ही ले लेता हूं, ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ अगर साइन इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंदर क्या जाएगा एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब इसको तो भूल जाओ, इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो मुझे मिल गया, अब इसको मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे ए प्लस बी बनाना है, यानी मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा कब, ठीक है, ये ए प्लस बी कब होगा, यानी मैंने सिंपली फॉर्मूला जैसे पढ़ा ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन कब होता है, जब एक्स जो है मेरा बिलोंग करता है किसको, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को, यानी ये एक्स यहां पे क्या है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी किसको बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को बिलोंग अगर करेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली ए भी लिख दूंगा, और ए भी लिख दिया तो ए क्या है साइन इनवर्स एक्स, बी क्या है साइन इनवर्स वाई, तो मींस मुझे आंसर मिल गया, मेरा ए इसको बिलोंग करता है बी इसको बिलोंग करता है, तो मैं चेक करता हूं कि ए प्लस बी किसको बिलोंग करता है, तो मैंने देखा ए प्लस बी, ठीक है, इट मींस सिंपली मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो लिख सकते हो कि ए जो है वो किस किसके बीच में, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच, एज इट इज बी किस किसके बीच में है, दैट इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो ए प्लस बी किस किसके बीच में होगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू दैट इज पाई, अगेन माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू दैट इज अगेन माइनस पाई, इट मींस ए प्लस बी किस किसके बीच में लाई करेगा मेरा,
माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच मतलब, इट मींस इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा एंगल यहां से शुरू होके वापस यहीं आ जाएगा, ठीक है, इट मींस यहां से यहां लाइन कटता है, लेकिन मेरी जो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो तो ये वाली होती है यहां से लेकर के यहां, इट मींस माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू तक, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस ए बाई बी को तोड़ लेते हैं, ठीक है, कुछ इसके टुकड़े कर लेते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को आसान कर पाए, ठीक है। कैसे इसको उठा दो, मैं काम करता हूं, मैं पहली कंडीशन बोलता हूं, केस वन बोलता हूं, मेरे पास क्या होगा, यहां से मैं बनाता हूं केस वन, कि जब मेरा ए प्लस बी जो है वो लाई करेगा इन बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, यदि किस किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा, तो ये अगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई करता है तो इट मीन्स मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूं, इट मीन्स देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी साइन वन साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कब, जब ये होगा एंड इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इनटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ए क्या है, दैट इज योर साइन वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ऑल इक्वल टू दिस, इट मीन्स मेरा हो गया प्रूफ। लेकिन भाई ये बाकी बच्चे उसका क्या करेगा, ठीक है, आपके अगर सिलेबस से देखा जाए, आपकी बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो आपका क्वेश्चन यहां हो गया, ठीक है। क्या कि मैंने ऑब्जर्व ए प्लस बी इस इसके बीच में लाई करता है तो मुझे किसके बीच में चाहिए, इसके बीच में, तो मैं यहां डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर मेरा ए प्लस बी इसके बीच में लाई करता है तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और यहां से मैं इसकी कंडीशन ही निकाल सकता हूं कि क्या कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। लेकिन जब ये इसके बाहर लाई करेगा, इट मींस मैंने इसके बीच का एंगल ले लिया ना, ये वाला पार्ट निकाल दिया, अब ये हो सकता है ए प्लस बी यहां पर भी हो सकता है और मेरा ए प्लस बी यहां पे भी होगा, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इससे मैं इसकी कंडीशन निकालूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहां और यहां होगा तो मैं क्या कर सकता, ठीक है। तो अब मैं पहले लेता हूं ऊपर वाला, कि मैं बोलता हूं कि अगर a प्लस बी जो है मेरा वो लाई करेगा पाई बाय टू से लेकर के पाई के बीच में, पाई बाय टू से लेकर के अगर पाई के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, ठीक है। पाई बाय टू से पाई का मतलब है दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। तो अगर आपको याद हो तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि साइन और साइन अगर मुझे ऐसे मिल जाए यहां पे 2 पाई बाय 3 मिल गया, मान 2 पाई बाय 3 मींस 120 डिग्री मिल गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, इसको करने का हमारे पास ये तरीका होता है, मैं इसको क्या करता, इसको साइन इनवर्स लिखता, ये साइन और इसको लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 3, ये सुनो पाई माइनस पाई बाय 3 इज आल्सो 2 पाई बाय 3, सेम ही तो बात है, यानी 120 को मैंने 180 माइनस 60 की फॉर्म में लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन अब फर्क पड़ गया, अब आप कहां पहुंच गए, अब वापस ये जो एंगल है ये मेरा कहां पहुंच गया, ये फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच गया, इट मींस इसके डोमेन में पहुंच गए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आ गया ये, ठीक है। ऐसा होने पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, इट मीन दिस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, और या फिर हम इसको ऐसे नहीं करते थे, हम इसकी बजाय ऐसे करते थे कि इसको साइन इनवर्स लिखते थे, कौन सा क्वार्टर है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई बोलते हैं नो चाहिए तो साइन का साइन पाई बाय 3 का पाई बाय 3, तो योर आंसर इज पाई बाय 3, ठीक है, हम इसको कुछ ऐसे निकालते थे, ठीक है। लेकिन दिस इज आल्सो इन द किस में आता है, पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते और यहां से मुझे ये चेंज मिल जाता था, ऐसा ही कुछ करते थे, ठीक है। तो क्या सेम काम मैं यहां पे भी कर सकता हूं, यस और नो, ठीक है, इट मींस सिंपली मुझे ये एंगल क्या पकड़ना पड़ेगा, पाई में से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे किस में आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं आता है कि नहीं, अगर आता है तो मैं एंटी लगा पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है, ये चीज हमने बेसिक बहुत पहले की हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मुझे क्या करना है, इसको पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लाना है, एक्स का मतलब इसके आगे मुझे माइनस साइन चाहिए, सबसे पहला काम, तो मैं काम करता हूं थ्रो आउट माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस बिकम योर माइनस पाई बाय टू, साइन माइनस से मल्टीप्लाई करो तो फ्लिप हो जाएगा, ये देखो माइनस ए प्लस बी, साइन फिर से फ्लिप होगा एंड दिस इज योर माइनस पाई, इतना आगे समझ में हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, थ्रो आउट क्या करता हूं, पाई ऐड करता हूं, क्या करता हूं, पाई को ऐड करता हूं, पाई ऐड करोगे तो दिस बिकम पाई माइनस पाई बाय टू, पाई में ऐड करके मतलब आगे लिख दिया, ठीक है, और यहां पे पाई माइनस ए प्लस बी and this become minus pi and plus pi, minus pi plus pi this becomes zero, or pi minus pi by 2 you get pi by 2, it means this angle lie in the first quadrant,
और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या, जीरो से पाई बाई टू के मतलब क्या, इसी डोमेन में तो आता है, इसमें आता है तो मैं इसकी आइडेंटिटी भी लगा सकता हूं। तो इट मींस अगर मेरा ये एंगल इससे बाहर चला गया, इसके डोमेन से बाहर चला गया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? ठीक है, क्योंकि आपको आगे अगर पढ़ना है, मींस जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे आगे, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, कुछ बच्चे तैयारी करना शुरू भी कर दिया होगा, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। इट मींस अगर मुझे ये एंगल, यानी यहां पे हम बात कर रहे थे, नाउ दिस एंगल इज इन बिटवीन, अगर ए प्लस बी किसके बीच में है, पाई बाई टू से पाई के बीच में है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे चेंज। इट मींस मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूंगा, दैट इज योर साइन वॉज साइन, साइन वॉज साइन, दिस इज योर पाई माइनस ए प्लस बी, लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? देखो सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, पाई बोलते हैं तो साइन ए प्लस बी वापस वही पहुंच जाऊंगा। इट मींस अल्टीमेटली मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन ये जो एंगल है वो किसमें आ गया, मेरे डोमेन में आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू सारा एल डीज, इट मीन दिस इज साइन वॉस, एंड जो फॉर्मूला है एल डीज लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये अगर मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो मैं दोनों को डायरेक्टली हटा सकता हूं, योर आंसर इज दिस। ठीक है, बट मुझे तो सिर्फ ए प्लस बी चाहिए, तो मैं काम करता हूं, इस ए प्लस बी को उधर लेके जाता हूं, उधर लेके जाओ साइन चेंज, इट मीन साइन चेंज करने की बात बोल रहा हूं, या फिर ऐसे कर लो इस पाई को उधर ले जाओ, पाई उधर लेके जाओ, तो ये माइनस का पाई, और ये है मेरा प्लस का एंट्रेस। अब इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये माइनस हो जाएगा। इट मीन योर फॉर्मूला इज ए प्लस बी, ए क्या है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स, एंड द फॉर्मूला एंट्रेस मीन एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y into root of 1 minus x square, that's your formula। आई बस समझ भाई, आई थिंक सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट चीज मेरे पास क्या बची, कि अगर ये यहां लाई करता है, इट मींस a प्लस बी जो है वो कहां लाई करता है, इन दिस क्वाड्रेंट, इट मींस इट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट कब लाई करेगा, थर्ड क्वार्ट में कब लाई कर सकते हैं, पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये थर्ड क्वार्ट में कब लाई करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वार्ट में तभी लाई कर सकते हैं, ए और बी दोनों कहां लाई करते हैं, फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वार्ट, यानी ये नेगेटिव तभी होगा जब ये दोनों एंगल नेगेटिव होंगे। ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव एंगल्स होंगे, यानी दोनों ही एंगल ए और बी दोनों ही कहां लाई करते होंगे, फोर्थ क्वार्ट में, तभी इन दोनों का सम मेरा थर्ड क्वार्ट में आ सकता है। अदरवाइज अगर आपने कुछ भी एंगल वन डिग्री भी ले लिया यहां से, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम एंगल उठा लो आप, ये कभी भी थर्ड क्वार्टर पे नहीं पहुंचेगा। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों क्या है, नेगेटिव। तो अगर मैं सिंपली अगर सोचना चाहें हम, तो इसका मतलब ए भी नेगेटिव है और बी भी मेरा क्या है, नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। इट मीन ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि माइनस ए प्लस बी जो है वो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई के बीच में लाइक करता है। ठीक है, तो सेम एनर्जी सेम कंडीशन बनेगी, यस और नो, थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना। ठीक है, ऐसा लास्ट में क्या था, जब ये ऐसे लाई करता था तो 100% श्योर था कि ये दोनों एंगल कहां से है, ए भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बी भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी पॉसिबल है कि इन दोनों का सम यहां पहुंच पाए। अदरवाइज आप कोई भी एंगल उठा लो, दो एंगल्स का सम यहां नहीं पहुंच पाएगा, अगर ये दोनों एंगल पॉजिटिव, यानी दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करते होंगे तो। ठीक है, अगर कोई एक भी थर्ड में सॉरी फोर्थ में चला गया, तो ये कभी भी इनका सम यहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इट मींस ये और ये दोनों बातें एक तरह की है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही रिजल्ट दे रही है। इट मींस इन दोनों का सम सेकंड क्वाड्रेंट में कब पहुंचेगा, जब ए और बी दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होंगे। ठीक है, और ए और बी जब दोनों नेगेटिव लेस देन जीरो होंगे, तब इन दोनों का सम जो है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगा। इट मींस दोनों बातें सेम है, इससे भी मेरा सेम फॉर्मूला ही निकल के आएगा। ठीक है, तो साइन वर्स के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। ठीक है, द फर्स्ट वन व्हेन ए प्लस बी जो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, अब बात आती है इसकी कंडीशंस की, जो हमने स्टार्टिंग में की। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले दो समझ में आ गए, लेकिन हमने कंडीशंस की बात अभी तक नहीं की। ठीक है, कंडीशन कुछ बोलेंगे, एक तो बता दी ए बी, लेकिन मुझे कहीं पे भी ओरिजिनल क्वेश्चन में ए प्लस बी लिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे सब जगह x y दिख रहा है। इट मींस मेरी कंडीशन भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, x और y की फॉर्म में ही होनी चाहिए। ठीक है,
तो आई थिंक मैं हटा रहा हूं इस चीज को और यहां से हम इसकी कंडीशंस को ड्राइव करते हैं। ठीक है जी, आपकी कंडीशन जो आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में है, जो चीज आप पढ़ोगे, ठीक है, ये चीज आपके लिए एक्स्ट्रा है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, कि बाकी के एंगल्स कहां जाएंगे तो वो यहां इस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे भी ऐसा मिलता है तो यू कैन श्योर। ठीक है, अब दोनों की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वन इज मुझे मिला कि ए प्लस बी जो है मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल लाई करना चाहिए। तो अगर ये इसके बीच में लाई करना चाहिए तो मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे चाहिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो या तो मैं एक्स और वाई के बीच में यहां डायरेक्टली रिलेशन नहीं लगा सकता, मैंने क्या किया इस वाई को दोनों तरफ ले गया, यानी मैंने थ्रू आउट माइनस बी से माइनस बी ऐड कर दिया और वी कैन से दैट मैंने बी सबट्रैक्ट कर दिया थ्रू आउट। तो करोगे दिया क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू एंड माइनस बी, ए प्लस बी है यहां माइनस बी हो जाएगा एंड पाई बाई टू माइनस बी। कोई प्रॉब्लम भी आता है इसी को नहीं है, इस बी से बी कैंसिल आउट, यू गेट हियर ए दिस। हमें क्या लूंगा साइन लूंगा थ्रू आउट। ठीक है, मैं थ्रू आउट क्या ले रहा हूं साइन ले रहा हूं, तो अगर आप यहां साइन लोगे दिस बिकम साइन माइनस पाई बाई टू माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ए एंड लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस बी। अब जब हम कॉस वाला फंक्शन लेंगे तो ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि साइन मेरा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे बनता है जब जीरो से स्टार्ट होते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, और लाइक दैट ऐसे कुछ होता है। ठीक है, पाई बाई टू यहाँ जीरो होता है और पाई बाई टू पे जाके क्या होता है वन हो जाता है। ठीक है, एल डी सी हो जाता है माइनस वन, मीन्स ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ है। जब भी आप किस तरफ जा रहे राइट साइड को जाओगे किसी भी एक्स की वैल्यूज के लिए हमेशा इसकी वैल्यूज क्या होगी इंक्रीज होगी, मीन्स दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मैं इसके साइन को एक्सचेंज करूंगा। यहीं पे अगर मेरा कॉस होता मैं थ्रू कॉस लेता तो इसके साइन क्या होते फ्लिप हो जाते, क्योंकि जैसे जैसे कॉस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है अगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करूं तो दिस लाइक दैट। तो जैसे जैसे कॉस की वैल्यू बढ़ाओगे आप क्या होगा जो फंक्शन की वैल्यू होगी डिक्रीज होती चली जाएगी, मीन्स अब आप कॉस फंक्शन लोगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे तब आपका साइन फ्लिप हो जाएगा, तब हम वहां और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इतना आ गया, इतना आने के बाद आई थिंक इसको डालू फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा ही हुआ ऊपर। ठीक है, इसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कंडीशन क्या होगी। अब देखो इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे अब साइन माइनस थीटा कौन सा पॉइंट है फोर्थ, फोर्थ में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन आ जाएगा यहां माइनस ये हो जाएगा। अब देखो पाई बाई टू प्लस थीटा कौन सा पॉइंट है सेकंड, 90 प्लस थीटा सेकंड पॉइंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है एज इट इज, पाई बाई टू बोलते साइन को चेंज कर दो कॉस बी, दैट बिकम कॉस बी अब cos b क्या था, cos b मैंने निकाला था कि मेरा sin b जो था वो था y, तो cos b क्या आया था मेरा दैट इज योर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल, तो मैं यहां पे पुट कर दिया दैट इज योर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहां पे आपके इनइक्वालिटीज के कांसेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आप को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब देखो एक चीज कंफर्म है, क्या x मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस सॉरी x मैंने कहां से कहा लिया था, ठीक है, x मेरा है माइनस वन से वन, कहां से कहा देखा माइनस वन से वन, तो अगर मैं बात करता हूं जीरो से वन की, ठीक है, और एक बात करूंगा मैं माइनस वन से जीरो, तो मैं कर लेता हूं इसको ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, तो जब ये जीरो से वन की बात करेगा इट मीन्स मैं यहां पहुंच गया, इट मीन्स बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब यहां से देखो जीरो से वन की जब मैं बात करूंगा, जीरो से वन मतलब मैं एक्स को ले रहा हूं पॉजिटिव, एक्स क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या है, ये तो 100% ही पॉजिटिव है, और ये क्या है रूट के अंदर कोई भी चीज, देखो रूट के अंदर
मैंने ये चीज आपको पहले बताई कि रूट के अंदर कोई भी हो, रूट एनीथिंग इज मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होगा श्योर है। एक्स का क्या है, एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये जीरो से वन में तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और माइनस वन से जीरो में क्या होगा ये नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मैं जीरो से वन की कंडीशन देता हूं कि जब ये पॉजिटिव होगा, जीरो से वन जब ये पॉजिटिव होगा, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं लिखता हूं थ्री इज स्मॉलर देन फाइव, ऐसा कुछ अगर है मेरे पास, ठीक है, और मैं इसका स्क्वायर करूं, दोनों पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो कि नाइन इज स्मॉलर देन इक्वल टू 25, हमेशा ट्रू होगा ये, ठीक है, इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इनके का क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो इनइक्वालिटीज में, लेकिन आपको डाउट होता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, तो सिंपली ये चीज ट्रू है। तो इसके बारे में बोल सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट मींस मैं बोल सकता हूं कि x स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, आई बात समझ में आई, ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या बोलोगे, ये मेरा नेगेटिव है, ये 100% नेगेटिव है, लेकिन जब मैंने 0 से 1 की बात की तब ये मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनको तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों टर्म पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोल सकते, एक मिनट में अगर इनका स्क्वायर करके देखूं तो ये मिलता है 1 माइनस y स्क्वायर और ये मिलता है मुझे x स्क्वायर, यही सेम रिजल्ट मुझे यहां से मिला, ये 100% श्योर है, इसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्या होगा, लेकिन ये वैल्यूज तो सेम है, इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इससे ही आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि ये और ये दोनों चीजें सेम है, यहां पे x स्क्वायर स्मॉलर है तो ये 100% ये भी स्मॉलर ही होगा, ठीक है, तो सिर्फ मैं एक कंडीशन लेता हूं, यानी ये दोनों बातें एक ही है, तो आप एक से भी ले सकते हो, तो इस y स्क्वायर में ले आओ, इट मींस दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें बहुत सारे कांसेप्ट आ गए, ठीक है, हमने इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट भी किया, ठीक है, जिन बच्चों ने इनइक्वालिटीज अच्छे से पढ़ रखी होगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला कि नेगेटिव में प्रॉब्लम क्यों आती है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बोलता हूं कि -5 इज स्मॉलर देन 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट 25 इज ग्रेटर देन 4, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, बट हमेशा ट्रू नहीं है, मैंने बोला कि हमेशा क्या ट्रू होगा, ठीक है, कि हमेशा जरूरी नहीं ट्रू, जैसे मैंने बोला कि -5 इज स्मॉलर देन 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड 25 इज स्मॉलर देन 49, यानी सेम ही रह सकता है, तो जब मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उस कंडीशन में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, तो ये तो मैंने कंडीशन सिर्फ निकाली जब ये 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं दैट इज योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, ये मेरी कंडीशन मिल गई, लेकिन जब तब क्या होगा जब ये -1 से 0 का मतलब क्या है, ये 100% नेगेटिव, x मेरा क्या होगा नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो अब 100% शो हो रहा है कि अगर मैं बोल दूं कि -2 इज ग्रेटर देन -4 है, -2 जो है -4 से बड़ा है, ये सब नेगेटिव है, जितना नंबर बड़ा लोगे उतना ही छोटा हो जाता है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इट मींस साइन हमेशा क्या हो जाएगा फ्लिप, यानी दोनों अगर नेगेटिव नंबर्स है तो साइन हमेशा 100% क्या होगा फ्लिप हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव में फिर से वही कंफ्यूजन रहेगी, तो इट मींस अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर, अब ये साइन उस तरफ था तो ये साइन हो जाएगा मेरा फ्लिप, हमने सीखा कैसे, एंड दैट इज योर x स्क्वायर, अब यहां का मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, इससे मैं निकालता हूं, तो अगेन y स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट मींस सेम ही बात है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1, दैट्स इट, दैट्स योर कंडीशन, इट मींस दोनों चीजों से मुझे सेम कंडीशन मिल रही है, ठीक है, आई समझ हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमने क्या कर लिया, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला, सेम एज इट इज आप साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला भी कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूं, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, ठीक है, इसमें एक चीज आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसकी बात कर लेंगे, तो सेम एज इट इज इसको मैं लूंगा साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू ए, इंप्लाइज दैट साइन ए मेरा किसके इक्वल हो जाएगा एक्स के इक्वल, सेम एज इट इज अगर मैं लेता हूं साइन वॉस वाई इज इक्वल टू बी इंप्लाइज दैट साइन बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो कंडीशन आर ए बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एंड ऑल्सो बी बी कहां बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू भी बिलोंग करेगा, सिंपल, ठीक है, तो ये दोनों ऐसे बिलोंग करते हैं, तो अब मुझे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, किसका, ए माइनस बी, क्योंकि ये ए हो गया माइनस में बी, मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए
cos b माइनस cos a sin b, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो यही आने वाली है, जो कंडीशंस होगी उसको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस sin into a माइनस b मेरा एस डी इज नो प्रॉब्लम, sin a, अब sin a फिर से क्या लिखोगे, दैट इज योर x, cos b क्या हो जाएगा भाई, sin b है मेरा y, दिस बिकम 1 माइनस y स्क्वायर, माइनस cos a, cos a क्या हो जाएगा भाई, cos a हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड sin b दैट इज योर y, ठीक है? ये तो तैयार है, अब क्या करूं, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेता हूं, दिस योर साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड द होल फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है? इट मींस मेरे राइट हैंड साइड तैयार है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से मुझे इसको ए माइनस बी बनाना है, ठीक है? तो फिर से वही कंडीशन कि अगर ए माइनस बी क्या होगा, अगर ए माइनस बी जो है वो किस किसके बीच में होगा, अगर ये लाई करता होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तब तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया, नो प्रॉब्लम, साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, और ए की वैल्यू ये पुट कर दो, बी की वैल्यू ये पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, इट मींस मेरा प्रूव हो गया, ठीक है? लेकिन मैं यहां से चेक करता हूं कि ए माइनस बी किस किस के बीच में आता है, तो मैंने देखा ए माइनस बी किस किस के बीच में आएगा। अब देखो इनइक्वालिटीज में आप डायरेक्टली एड कर सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? उसका एग्जाम्पल देता हूं, आपको अगर मैं बोलूं कि 2 इज ग्रेटर देन 5, 2 क्या है, सॉरी 2 इज स्मॉलर देन 5, 2 क्या है, स्मॉलर देन 5, ये मैंने एक इनइक्वालिटी थी, ठीक है? और एक मैंने ले लिया कि 9 इज स्मॉलर देन 9 इज स्मॉलर देन 11, ठीक है? 9 इज स्मॉलर देन 11, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 9 माइनस 2, अगर मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करता हूं तो पता है इनइक्वालिटी के सेम, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 6, ठीक है? ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूं, उल्टा करता हूं, ठीक है? इसमें से ये माइनस किया, यू गेट 7 इज स्मॉलर देन, इसमें से करूं 6, क्या पॉसिबल? इस तरफ मैंने किया तो मुझे मिला माइनस 7 इज स्मॉलर देन माइनस 6, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बट जब मैंने इसको उल्टा किया, इसमें से ये माइनस किया, you get the result is ये कभी भी true नहीं हो सकता, इतने 7 is greater than 6 है, यानी sin मेरा क्या होगा, flip हो गया, ठीक है? तो जब आप क्या करते हो, inequalities करते हो, तो subtract करते time आप directly add subtract नहीं कर सकते, add कर सकते हो लेकिन subtract नहीं कर सकते, तो ऐसी condition में क्या करें, मुझे कैसे पता लगेगा कि a minus b किस किसके बीच में हो, ठीक है? तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, मुझे यहां से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो सेम एंटिटीज देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है। अगर मैं बोलता हूं ए माइनस बी, अगर मेरा एंगल ए जो है माइनस पाई बाई टू है और बी जो है प्लस का पाई बाई टू है, ए जो है वो माइनस पाई बाई टू है और बी जो है पाई बाई टू है, तो दोनों को माइनस करोगे माइनस आएगा, इट मींस दिस बिकम माइनस का पाई, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, माइनस पाई, एज इट इज। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये पाई बाई टू होगा, यानी सीधी सी बात है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसका मिनिमम वैल्यू और इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ठीक है? सेम एंटिटी, इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू ले लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट पाई, इट मींस दिस लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, तो अगेन ए माइनस बी भी किसके बीच में लाई करता है, मेरा माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करता है, ठीक है? तो अगर ये माइनस ए माइनस बी के बीच में लाई करता है, तो फर्स्ट तो ये तो मैं डायरेक्टली इस तरह कि अगर ये कंडीशन होगी, इट मींस अगर मेरा ए माइनस बी जो है इस वाले रेंज में होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, पहली चीज मैंने ये लिखी, तो मैं डायरेक्टली इस काम से लिख सकता हूं दैट यू गेट हियर, इफ ए माइनस बी लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, देन वी कैन से दैट साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी इज ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड द होल फॉर्मूला एज इट इज। ए क्या है, दैट इज योर, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो दैट इज योर फॉर्मूला एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक? इसके हम कंडीशन निकालेंगे, ठीक है? इसकी कंडीशन बाद में निकालेंगे, पहले मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है? ये और ये यहां पे लाई करेगा तो क्या होगा, तो सिंपली अगर मैं बात करता हूं यहां, ठीक है? अगर ये लाई करता होगा यहां, यहां लाई करता होगा, मतलब ये भी मेरा एंगल पॉजिटिव, यानी ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, दोनों जब पॉजिटिव होंगे तभी मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एज इट इज दोनों जब नेगेटिव होंगे
तभी बोल सकता हूं कि दोनों सॉरी दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों का सम सेकंड क्वार्टर में लाई करेगा ना, ठीक है, बट दोनों का डिफरेंस सब सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों फर्स्ट क्वार्टर में लाई करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कभी भी आप सेकंड क्वार्टर में नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब एक 100% हो रहा है कि एक एंगल तो इसमें होगा और एक एंगल मेरा किसमें होगा, इसमें होगा। यानी एक एंगल मेरा फर्स्ट क्वार्टर में लाई करेगा, एक एंगल मेरा सेकंड में, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे ए फोर्थ में ले लो, ये फर्स्ट में ले लो, ठीक है। तो ऐसे होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव एंगल होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मतलब क्या है? तो अगर मैं ए को बोलता हूं, ये मान लो ए यहां पे, इट मींस मैं बोल सकता हूं कि साइन ए क्या होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एक्स की वैल्यू मेरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। एज इट इज मैं साइन बी को क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, इट मींस वाई जो है मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दूं कि x मेरा पॉजिटिव है और y मेरा नेगेटिव है, y मेरा नेगेटिव मींस साइन इनवर्स माइनस y, अगर मैं लिखता हूं y अगर नेगेटिव है, y को मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगा दिया, दिस बिकम पॉजिटिव, से माइनस बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स y। यानी अब यहां पे देखो साइन इनवर्स y से माइनस साइन इनवर्स y रखोगे दिस बिकम प्लस, इट मींस आप कहां पहुंच गए, पहले फॉर्मूले में पहुंच गए, इट मींस पहले फॉर्मूले में पहुंचने का मतलब वही चीज जो हमने पहले फॉर्मूले की थी आप वैसे ही करोगे, मींस ये प्लस वाला फॉर्मूला बन गया, तो प्लस वाला बनते ही आप, मैंने इसके दो फॉर्मूले बने थे हमारे, दिस वन एंड अगर ये सेकंड क्वार्टर में लाया करते तो पाई माइनस दिस वन, दैट्स इट, ठीक है। सेम एज इट इज जब आप यहां आओगे, यहां भी आप कब आ सकते हो, यहां भी आप तभी आ सकते हो ना जब ए मेरा यहां लाई करेगा और बी मेरा यहां लाई करेगा, सिंपल सा बनाते हैं, ए मेरा यहां लाई करेगा और बी मेरा यहां लाई करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ए तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये मेरा हो गया नेगेटिव, यानी x मेरा नेगेटिव वैल्यू देगा और y क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। x नेगेटिव होने का मतलब है यहां पे माइनस बाहर निकल जाएगा, यहां ये पॉजिटिव मतलब ये माइनस बाहर आएगा, इस माइनस को मैं कॉमन ले लूं दिस बिकम प्लस, इट मींस दिस बिकम अगेन दिस फार्मूला। तो सिर्फ इस फार्मूले के आगे आपको क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है, यू गेट योर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इसके लिए ये फार्मूला बनेगा, बाकी दोनों कंडीशन के लिए आप ऊपर वाले फार्मूले में पहुंच जाओगे, ठीक है, याद रहेगा, हो जाएगा कि, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे इसी कंडीशन की, बात कर रही एक उस कंडीशन रहेगी हमारी जब हम बात कर रहे थे कि व्हेन पाई माइनस ए प्लस बी हमने जब लिया था, इसकी कंडीशन हमने नहीं निकाली, इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, इसकी कंडीशन की बात करेंगे, पहले इसकी कंडीशन की बात करें। यहां तो मेरे पास फॉर्मूला आया, रेंज वही है ए माइनस बी, तो आई थिंक यहां कुछ फर्क मिल जाएगा, क्या सेम मिलना चाहिए सब कुछ, बिल्कुल वही मिलेगा, ठीक है। तो पाई बाय टू ए माइनस बी एंड पाई बाय के बीच में लाई करते हैं, a माइनस b किस किस के बीच में लाई करते हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो लास्ट में हमने कैसे किया था वैसे ही करते हैं थ्रू b, अब b क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहां माइनस b, ऐड करो दिस बिकम माइनस पाई बाय 2 प्लस b एंड दिस बिकम a एंड दिस बिकम पाई बाय 2 प्लस b, नाउ टेकिंग साइन, साइन को प्लस कम लाएंगे तो दिस बिकम साइन माइनस पाई बाय 2 प्लस b इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू साइन a and is less than equal to sine pi by 2 and plus b, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा भाई, पहले काम करता हूं इस माइनस को बाहर लेता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाहर लेने की जरूरत नहीं, तो ये वाला क्या लेगा, sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, पहले से ही माइनस बाहर। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा मींस b इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, किसके लेस देन इक्वल टू होगा साइन ए, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू अगेन साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, पाई बाय 2 बोलते साइन को चेंज कर दो कॉस में और बी में, यानी वही कंडीशन बन गई जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। अब साइन ए क्या है, दैट इज योर एक्स, साइन बी क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस पाई स्क्वायर, अगेन दिस इज माइनस रूट ऑफ 1 माइनस पाई स्क्वायर, तो सेम वही कंडीशन है जो लास्ट में बन रहा था। अब x पॉजिटिव कब होगा, जब ये 0 से 1 के बीच में होगा, नेगेटिव कब होगा, जब -1 से 0 के बीच में होगा, ठीक है। तो दोनों से क्या मिलने वाला है, मुझे सेम कंडीशन मिलेगी, इट मींस मुझे कंडीशन मिलेगी कि x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 - y2, इट मींस x2 plus y2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, ये वही कंडीशन है जो आपकी पहले बन रही थी, ठीक है। अब एक चीज जो आपकी रह गई थी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है,
इसी टर्म कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स सेम फॉर्मूला था बाकी एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। कब आया था ये? जब हम एक बी की बात कर रहे थे कि जब ए प्लस बी मेरा जो था वो किस किसके बीच में लाई कर रहा था, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में था सेकंड क्वाड्रेंट में था मींस लाई बिटवीन पाई बाय टू सॉरी पाई बाय टू से पाई के बीच में लाई कर रहा था, ऐसा ही कुछ था। तो पाई बाय टू से पाई के बीच में जब ये लाई कर रहा था तब उसकी बात कर रहा ठीक है। तो इसके लिए मेरी कंडीशन क्या होगी? ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी ठीक है। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं ठीक है, तो सेम वही काम करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, बी को दूसरी तरफ लेके जाता हूं, दिस इज पाई बाय टू माइनस बी ए लेस देन इक्वल टू पाई माइनस बी, नाउ टेकिंग साइन थ्रो दिस इज योर साइन पाई बाय टू माइनस बी साइन ए, बस आपकी इनइक्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से करनी है ठीक है। और वैसे जिसको सिलेबस ही करना है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद करो अप्लाई करो आपके उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं ठीक है। इसको ज्यादा अच्छा पढ़ना है वो कर सकते हैं। तो साइन पाई टू माइनस बी फर्स्ट पार्ट दिस बिकम कॉस बी, ये हो जाएगा साइन ए एंड दिस इज योर दिस साइन बी सिंपल ठीक है। पहले इसको कर दो, कॉस बी क्या होता है रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, साइन ए दैट इज योर एक्स एंड दैट इज योर ठीक है। तो क्या होना चाहिए ये कंडीशन मुझे मिल गई ठीक है। अब देखो ये 100% श्योर है कि ये पॉजिटिव होगा, ये 100% श्योर है ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब इसके बारे में आप क्या बोलोगे, एक्स कब पॉजिटिव होगा, एक्स कब पॉजिटिव होगा भाई ठीक है। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे तो मेरी वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, पाई बाय टू से पाई के बीच में, जिसकी ए प्लस बी की लाई करती है ठीक है। तो ए की वैल्यू कहां लाई करती है, ए की वैल्यू लाई करती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सेम कंडीशन लिया मैंने। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये सुनो, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। इट मींस ये 100% पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस मैं इसको 0 से 1 के बीच में कंसीडर कर लूं तो ये पॉजिटिव रहेगा ठीक है। तो सिर्फ मैं अगर इन दोनों की बात करूं, ये दोनों पॉजिटिव हो गए जब x कहां होगा 0 से 1 के बीच में होगा। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट 1 माइनस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इसको दो जाओ, इट मींस 1 x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर कंडीशन फॉर द सेकंड वन कि 1 क्या होना चाहिए, 1 x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए ठीक है। अब इसके बारे में क्या बोलोगे ठीक है, पहले इसी की बात कर लेते फिर उसको मैं लेके चलता हूं ठीक है। सेम एज रीजन मैं दोनों की बात करूंगा ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा किसकी, 1 सॉरी माइनस 1 से 0 के बीच में, माइनस वन से जीरो के बीच में, यानी जब मेरे एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो अब क्या कुछ आप इसके बारे में बोल सकते हो, ये मेरा नेगेटिव क्रम है ये मेरी पॉजिटिव क्रम है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज योर एक्स। तो जब मैं इसको जीरो से माइनस वन के बीच में लूंगा, जीरो से माइनस वन के बीच में लूंगा, सॉरी माइनस वन से जीरो बोलेंगे इसको, इट मींस व्हेन एक्स इज नेगेटिव, एक्स जब नेगेटिव होगा ये हमेशा क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, और यहां पे साइन किसका है ग्रेटर देन का। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से छोटा हो सकता है, तो ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, इसको मैं कंसीडर ही नहीं कर सकता है, बस समझ लीजिए ठीक है। तो दैट्स योर आंसर, सिंपल है भाई, हो जाएगा ठीक। तो इस कंडीशन को लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, सिंपली क्योंकि मैं अब ये मुझे नहीं पता कि एक्स, देखो जब x को मैं ये लूंगा या तो मैं ऐसे करूं कि भाई x और y दोनों को मैं 0 से 1 के बीच में लूं ठीक है, या दोनों को मैं माइनस 1 से 0 के बीच में लूं, तब मैं यहां पे कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं ठीक है। तो बेटर क्या है, इसको छोड़ दो सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई कर ठीक है। तो यहां पे क्यों नहीं कर रहा मैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि मुझे नहीं पता x क्या है, मुझे नहीं पता y क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहां मेरी कंडीशन लगाई क्योंकि एक तरफ मेरा पॉजिटिव 100% श्योर ठीक है। अब इसका और इसका मुझे पता नहीं ठीक है, इस पे तो मैंने कंडीशन लगाई दोनों कर दी। अब जब x कुछ होगा, जब x पॉजिटिव होगा वाई क्या पता नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो जब y नेगेटिव होगा तो ये पता नहीं मुझे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो इसका मुझे अभी पता नहीं है। तो इट मीन सिंपली मुझे यहां से कंडीशन मिलती है, ये फॉर्मूला मैं कब अप्लाई करूंगा, व्हेन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन, जब ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा तब मैं इसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। इक्वल टू 1 के लिए वो है, ये सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू 1 होगा तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला ही लोगे, ठीक है भाई। एक्स की ये कंडीशन है, ये कंडीशन कहाँ से ये आपको पता लग गया, ठीक है। ऐसे ही आप और फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।